खैर पुष्पा के सेट से हम आपको सारी खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं करुणा जी से स्पेशली, वो बात होगी मदर्स डे पर। और आज हम इतने लकी हैं कि जब हम इनके साथ शूट कर रहे हैं तो ये खुद एक स्टूडेंट बनी हुई हैं। सो करुणा जी हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये मदर्स डे की हम बात कर रहे हैं और आप खुद एक छोटी बच्ची की तरह दिख रही है। नहीं तो जितने भी पुष्पा के दर्शक हैं वो ये बात जानते हैं कि स्कूल तो मेरे हमारे शो का एक अभिन्न अंग रहा है। पुष्पा ने अपनी पढ़ाई पूरी करी है इस उम्र में आकर, तो ये यादें हैं जो वो ताज़ा कर रही हैं अपने बच्चों के साथ मिलकर, तो इसलिए ये ड्रेस पहनी हुई। बच्चों के साथ मिलकर यादें ताज़ा। हम डे वन से देखते हैं कि पुष्पा जो है ना अपने बच्चों के साथ बड़ी घुली मिली रहती है। अगर मैं ऑन स्क्रीन बात करूं तो ये माँ और बच्चों वाला जो बॉन्ड, अगर मैं शो की सबसे पहले बात करते हैं, कैसा है आपका? आप ऑन स्क्रीन कह रही हैं? ऑन स्क्रीन तो जैसे ऑडियंस जानती है, दर्शकों ने इतने सालों से हमें सराहा है, प्यार दिया, मुझे लगता है वो केमिस्ट्री के कारण ही, क्योंकि हम सबकी आपस में जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो इतनी सुंदर है, लोगों को उनको रियल लगता है, उनको लगता है सच में ये माँ बेटे हैं, या यू नो सबका प्रेम सच्चा लगता है। तो जैसा आपको दिखता है वैसा ही हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है। हम लोग सेट पर बहुत अच्छे से, बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियसली काम करते हैं। जी, और जो आपकी बहू भी है वो भी आपसे बहुत क्लोज है, और जिस तरह से हमने देखा है कि आपने उसका स्वागत किया है और सारी चीज़ों में उसका बहुत सपोर्ट किया था पुष्पा ने, सो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट, द सास और बहू वाला रिश्ता। ऑन स्क्रीन अगर आप बात कहेंगे तो इस बहुत खूबसूरती से लिखा गया है पुष्पा और दीप्ति का जो संबंध है आपस का। आप सामान्यतः इस प्रकार का संबंध होता नहीं है सास बहू का, वो एक कहते ना कि एक आइडियोलॉजिकल रिश्ता हमने दिखाया है, क्योंकि हमारा जो शो है वो आशावादी शो है, जीवन की होप की बात करता है, जो जीवन में अच्छा है उसको देखने की बात करता है, उसको सराहने की बात करता है। तो पुष्पा और दीप्ति का संबंध जो ऑन स्क्रीन बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया कि लोग देखें और उनको लगे अरे वाह ऐसा भी हो सकता है क्या। और कई बार आप यकीन मानिए मैं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई हूँ, लोगों के रिश्ते संबंध सुधर गए हमारा संबंध देखकर ऑन स्क्रीन। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। कभी ऑन स्क्रीन प्ले करते करते वो ऑफ स्क्रीन वाली फीलिंग आती है इन बच्चों के साथ? देखिए सब को एक्टर्स हैं वैसे तो, सब फ्रेंड्स हैं आपस में, बच्चे तो ऑन स्क्रीन हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड वी आर ऑल को एक्टर्स, वी आर गुड एक्वेंटमेंट विद ईच अदर, तो एक अलग केमिस्ट्री होती है। लेकिन हम लोग एक्टर्स हैं, हमारा काम है उसको बहुत खूबसूरती से निभाना और उस चीज़ को फील करना कि ये आपकी फैमिली है, तो ऑन स्क्रीन डेफिनेटली हम लोग इसी प्रकार से फील करते हैं, ऑफ स्क्रीन मस्ती मजाक सब चलता रहता है। जी अब रियल लाइफ की बात करते हैं करुणा जी, मदर्स डे क्या सोचती हैं आप? अगर आप ह्यूमन किड्स की बात करेंगे, सो एज करुणा आई डोंट हैव माय ओन चिल्ड्रन बट आई हैव माय पेट्स, सो आई हैड फोर पेट्स, नाउ थ्री आर लेफ्ट। तो मैं ये समझती हूँ कि ममता का कोई दायरा नहीं होता, उसे मैं किसी एक दायरे में सीमित नहीं रखती या बांधती नहीं हूँ। ममता तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो एक औरत लेकर पैदा होती है, तो मैं समझती हूँ कि माँ ममत्व जो है वो एक औरत में इनबिल्ट होता है, तो उसका कोई मैच नहीं है। वो जो प्रेम है वो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, अनमैचेबल प्रेम है। सो आई थिंक सबसे बड़ा सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी भी इमोशन को मैं दूंगी तो वो ममता को दूंगी। और आपका नाम भी जो करुणा है वो उसी तरह से एक दर्शाता है, जो करुणा वर्ड है अपने आप में वो करुणा माँ ऑटोमेटिक आ जाता है ना? जी जी, वो इमोशन ही ऐसा है, नवरसों में से एक रस करुण रस है जी, तो वो यही है जिसे दया भाव प्रेम सद्भावना कंपैशन जिसे आप कहते हैं। सो नाम का असर तो पड़ता है ये मैं मानती हूँ, मैं इसको ऐसा ठप्पा नहीं लगा रही, लेकिन सबकी अपनी सोच होती है, मैं मानती हूँ कि आपका नाम का असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, तो वो पड़ा है थोड़ा बहुत। प्लीज टेल मी अबाउट योर बॉन्ड विद योर मॉम, आपका बचपन कैसा रहा और किस तरह से जो ग्रोथ वगैरह होता है ना एक माँ का जो सपोर्ट रहता है हमेशा बच्चों के साथ। जी जी, मेरी माता जी दीपा पांडे उनका नाम है, बहुत ही अच्छी महिलाएं, सिंपल सीधी सादी, पूजा पाठ में उनका ध्यान रहता है, काफ़ी रिलीजियस हैं और काफ़ी शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बहुत क्षमा करने में विश्वास रखती है, लोगों की मदद करने में विश्वास रखती है, तो उनसे वही चीज़ हमें भी मिली है, दया भाव प्रेम सबके लिए करना, मदद करना, लोगों की पीड़ा को महसूस करना, तो यही हमने मम्मी से सीखा है। और आज भी वो शी इज़ वेरी ईजी गोइंग, मतलब ऐसे नहीं है टिपिकल कि हम कुछ बोलने में डरें, बिल्कुल हमारी मित्र जैसी हैं, दोस्त जैसी हैं, तो दिल खोल के कोई भी बात हो जाती है, दोस्ती बरकरार है, मतलब केवल माँ और बेटी का रिश्ता नहीं है, दोस्ती का भी रिश्ता है, तो कुछ भी मैं चाहूँ तो उनसे कह सकती हूँ, अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, और वो हर चीज़ को समझती हैं, ईजी गोइंग है, मतलब ऐसा नहीं कि क्यों क्या कैसे इस प्रकार की उनका कभी रहा ही नहीं। ऑफकोर्स नियम रहा, डिसिप्लिन रहा, लेकिन प्रेम रहा ज़्यादा, और उतनी आज़ादी और लिबर्टी भी हमें दी
तो मम्मी मतलब कमाल की है हमारे, शी इज अ ग्रेट फ्रेंड, आई सी अ गुड फ्रेंड ऑल्सो इन माई मदर, आई कैन शेयर एनीथिंग विद हर। लाइफ का कोई ऐसा फेज जब आप मम्मी ने बहुत सपोर्ट की हो करुणा की? देखिए पापा को मेरे कैंसर था, ऑफ कोर्स ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन 2005, 2005 में वो चले गए थे। तो जो वो दौरान था वही वो समय था जब मैं मुंबई आई थी, 2005 में मुंबई आई थी। तो उसी समय मुझे आना था, मेरी सिस्टर मेरी माँ दोनों, वो बिल्कुल मेरी सिस्टर मेरी सेकंड मदर जैसी हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और पापा का पूरी तरह से अपना मतलब ये कभी फील नहीं होने दिया कि मैं नहीं हूँ, या कि उन्होंने मुझे ये कहा कि तू जा एस्टैब्लिश हो जा जब तक हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मम्मी ने पापा का किया, तो हमारे लिए तो बचपन से किया ही, अपनी हर चीज़ को सैक्रिफाइस करके, वो तो हर माँ मुझे लगता है करती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका काम है, ये उनकी ग्रेटनेस है, उनकी महानता है। तो उन्होंने बचपन से तो बहुत किया, निरंतर किया, प्रेम दिया, इतना सब कुछ दिया, आज़ादी दी, इतना अच्छा बड़ा किया हमें। और जब पापा का बीमारी का फेस था तो पूरी जान लगा कर उन्होंने उनकी सेवा की, तो उस दौरान हमें भी काफ़ी शांति थी, सुकून था कि मम्मी हैं, सब देख रही हैं। बाकी आई थिंक शी इज़ ग्रेट। पिटाई वटाई कितनी होती थी बचपन में? पिटाई नहीं, कभी हमें पिटाई कभी नहीं। अच्छे बच्चे की बात नहीं है, जैसे भी बच्चे थे, बच्चे तो वैसे हम अच्छे ही थे। लड़के लड़कों से कम शैतान होती हैं लड़कियाँ, अगर आप देखने जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव कम होती है, तोड़फोड़ कम करती हैं। ऐसे मार कभी नहीं पड़ी, मतलब माता जी और पापा हमारे दोनों ऐसे नहीं थे कि मारें, कभी कभी ऐसे जरूरत भी नहीं पड़ी, और ऐसा कभी कल्चर ही नहीं रहा, मतलब सब प्यार से हो गया सब कुछ, हंसते खेलते निकल गया टाइम। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लोग बहुत यू नो दो चीज़ें होती हैं, एक तो माँ जो दोस्त होती है, सब कुछ शेयर कर, जैसा आपने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत डिस्टेंस माँ बाप से कुछ बताते नहीं है, थिंकिंग दैट कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, मेरी माँ को आता ही क्या है, आप पुराने ज़माने से हो, तो बहुत अलग अलग मेंटालिटी है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज लोग आपको फॉलो करते हैं, जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि आप लोगों को देख के लोगों ने अपना रिलेशन चेंज किया है। जी जी, खैर मैंने वो ऑन स्क्रीन बात कही थी, आप मुझसे अभी मेरे करुणा के विचार जानना चाहती हैं, तो मैं कहूँगी मैं पहली बार तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि क्या होता है ना, हर जनरेशन की अपनी एक सोच होती है, और हर जनरेशन में फास्ट जनरेशन पैदा होती है। जैसे हम जो थे, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, आप देख रहे हैं यंत्र हों, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, या जो भी आप कहेंगे, डेवलपमेंट होती रहती है। तो क्या होता है, उसी हिसाब से बच्चे भी वैसे फास्ट पैदा होते हैं। आज आप देखेंगे तो छोटा छोटा बच्चा भी क्या गा रहा है, क्या नाच रहा है, वो पहले इतना नहीं हुआ, बट जनरेशन वाइज बच्चे अलग अलग टैलेंटेड होते जाते हैं, दिमाग, तो उनका ये सोचना ये थोड़ा सा उनके लिए नेचुरली हो जाता है कि हाँ इनको तो। लेकिन मैं ये कहूँगी उनसे कि देखिए क्या है कि आपका ये सोचना या आपका ऐसा होना में आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये जनरेशन है, या हर जनरेशन में बच्चे बदल जाते हैं। बट ये याद रखिए कि जो पीछे छूट गया है, उन्होंने आपको इसलिए बड़ा नहीं किया है कि उनको आपसे कुछ चाहिए, माँ बाप को बच्चों से कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन कहते ना कि हमारा खुद का एक वो होता है कि नहीं, जिसने हमें पैदा किया, हमें बड़ा किया, हमें उनके लिए ये करना है, हमें उनका ध्यान रखना है, हमें उनका तिरस्कार नहीं करना है। अगर आप उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना कीजिए कि आप उनकी बेइज्जती ना करें, या उनसे मीठे बोल बोलें, कड़वा ना बोलें, ये आप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी भी गरिमा रखिए अपनी जनरेशन की, कोई आपको रोक नहीं रहा है कुछ करने से, उनको समझाइए, हर चीज़ लड़के नहीं हासिल की जाती, समझा के प्यार से भी हासिल की जाती है। तो उनको समझाइए अपने जनरेशन के हिसाब से, उनको बताइए कि आजकल ऐसा होता है, वैसा होता है, और ऐसा नहीं है, और पहले ये नहीं कि सब कुछ गलत था, उनके अनुभव से सीखिए, कई कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो आपको दे सकते हैं और देते ही हैं, आपका अनुभव नहीं होता है उतना, ये बात याद रखिए। एंड एक्सपीरियंस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, केवल नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज का एप्लीकेशन, उसको जीवन में साधना, उसको कैसे जीना है, ये अनुभव सिखाता है, तो वो उनसे आएगा। तो हर चीज़ एक बैलेंस होती है, प्रकृति बैलेंस पे चलती है, सो आई थिंक यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर थॉट प्रोसेस, योर इंटेलिजेंस एंड देयर एक्सपीरियंस एंड देयर इंटेलिजेंस विच दे हैड, सो यू मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस। Tell me about your pets. कितने तीन आपने बताया ना, चार थे, तीन हैं, हाँ, कितना टाइम स्पेंड कर पाती हैं? बिकॉज बहुत ही क्यूट होते हैं, और एक बार जब इमोशनली आप जुड़ जाते हैं ना, तो वो एक अलग ही बॉन्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मैंने जैसे कहा कि चार बच्चे थे, दो डॉग्स और दो कैट्स, अभी तीन रह गए हैं। मेरा बड़ा वाला रोमियो चला गया, उसको कैंसर था, हमने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। तो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, वो बच्चे हैं, कभी भी मैं उनको, वो बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, वो घर जहाँ मैं रहती हूँ वो पहले उनका घर है, बाद में मेरा घर है। अच्छा। तो उतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ, ताकि उनके साथ ज़्यादा समय मैं बिता सकूँ, तो और रात को भी जाकर समय बिताती हूँ। तो जितना समय मिलता है मैं आई लिव इट टू द बेस्ट, और उनके साथ रहती हूँ, उनकी मालिश करना, उनको प्यार करना, उनसे बात करना कंटिन्यू। तो मेरे घर जैसे इट्स काइंड ऑफ अ लव हाउस, प्रेम वाला घर है एकदम, बड़े प्यारे बच्चे हैं।
चलिए करुणा जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं करुणा पांडे पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में। मेरी ओर से और पुष्पा इम्पॉसिबल की समस्त टीम की ओर से आपको मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं।